नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आपने यह अनुभव किया होगा कि जब आप धूप में जाते हो और सूर्य की रोशनी आपकी त्वचा पे पड़ती है तो थोड़ी ही देर में त्वचा में जलन होने लगती है और आपको लगता है कि आप सूर्य की रोशनी से दूर हो जाएं। परंतु आप सोचिए कि अगर कोई इंसान छांव में बैठा हुआ है और उसके आसपास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिसके कारण उसके शरीर में गर्मी महसूस हो और उसको त्वचा में गर्माहट का अनुभव हो, फिर भी एक इंसान को अगर त्वचा में लगातार जलन महसूस हो रही है और उसे बहुत ज्यादा अनइजीनेस लग रहा है तो इंसान बहुत अधिक परेशान होगा। उसके मन में तरह तरह के विचार चलने लगेंगे कि आखिर मुझे त्वचा में जलन हो क्यों रही है, क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे हाथ पांव अंदर से जल रहे हों। और इसी तरह की समस्या जब एक इंसान को होती है तो वह बहुत अधिक घबराता है और उसका अधिकतर समय चिंता में इसलिए निकल जाता है क्योंकि उसे यह पता नहीं होता कि यह लक्षण जो कि उसके अंदर नजर आ रहा है त्वचा में जलन पैदा करने का, यह असल में एंजाइटी का एक लक्षण है। एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों के साथ ये देखने को मिलता है कि उन्हें बर्निंग सेंसेशन होते हैं और यह बर्निंग सेंसेशन शरीर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। कई बार यह बर्निंग सेंसेशन हाथ में होता है तो कई बार पांव में, पेट में या पीठ में। कहीं भी एक इंसान यह स्पष्ट तौर पर अनुभव कर सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं त्वचा में बहुत अधिक जलन महसूस हो रही है और इसका मुझे स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ यह भी देखने में आता है कि उनके चेहरे में बर्निंग सेंसेशन होते हैं और जब उन्हें एंजाइटी के वजह से इस तरह की स्थिति बनती है तो उनका चेहरा कई बार लाल भी हो जाता है। जब एक इंसान के साथ इस तरह की स्थिति बार बार रिपीटेडली बनती है तो वह बहुत अधिक परेशान होता है और उसे कई बार एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन के भी लक्षण नजर आने लगते हैं क्योंकि इंसान को समझ में नहीं आता कि जो स्थिति मेरे साथ बन रही है उसका आखिर कारण क्या है। तो अगर आपका ये अनुभव रहा हो कि आपके लाइफ में एक लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हो और आप ये पाते हो कि जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, तनाव की स्थिति आती है या कोई ऐसा विचार आता है जो कि आपके मन में घबराहट को पैदा करता है और तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर लेकर आता है और जब यह स्थिति बनती है तो आप पाते हैं कि आपके शरीर में होने वाली जलन बढ़ जाती है तो यह स्पष्ट तौर पर सूचित करता है कि यह कहीं ना कहीं आपके थॉट से, आपके विचारों से यह समस्या जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही आपके मन में विचार तरह तरह के चलने लगते हैं, नकारात्मक विचार बढ़ते हैं, बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होता है क्योंकि आपके अंदर फियर बढ़ रहा होता है और उस कंडीशन में पूरे के पूरे ब्रेन के केमिकल सिस्टम में चेंजेस आता है और उस चेंजेस के आने के कारण आपके अंदर इस तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी स्थिति आपके साथ बन रही है और आपने तरह तरह के उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम किया हुआ है और फिर भी आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।